एंड वेलकम टू साउल जीरो ऑयल कुकिंग। आज हम बनाएंगे डे 41 की रेसिपी, जिसमें ब्रेकफास्ट में होगा मसाला टोमेटो विद ब्रेड, फ्रेश फ्रूट्स, साउल टी और मिड मॉर्निंग में होगा स्ट्रॉबेरी शेक। लंच में हम बनाएंगे स्पेशल वेज थाली, जिसमें होगा दाल फ्राई, चावल, रोटी, चटनी, सैलेड, पापड़, पनीर, कड़ी। मिड इवनिंग में हम सर्व करेंगे कॉफी और बिस्किट। डिनर में हम बनाएंगे मसाला चिल्ला और सूप। सबसे पहले हम डे 41 की ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनाएंगे, उससे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ब्रेकफास्ट की पहली रेसिपी है मसाला टोमेटो विद ब्रेड। इसको बनाने के लिए एक पैन में 1/2 टीस्पून सरसों दाना लेंगे और इसे भून लेंगे। फिर इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते, 2 कटी हुई हरी मिर्च और 1 कप प्याज ऐड करेंगे और इसे भी भून लेंगे। अब इसमें 1 कप टमाटर डालेंगे और इसे भी भून लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। फिर हम पैन को लिड से ढककर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। फिलर हमारी रेडी हो गई है। अब हम ब्राउन ब्रेड्स को सेक लेंगे और इनके बीच फिलर को फिल कर लेंगे। हमारी मसाला टोमेटो विद ब्रेड रेडी है। चलिए अब हम साउल टी बनाते हैं। एक गहरे पैन में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून मुलेथी पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर और 1 तेज पत्ता। फिर इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे। हमारी साउल टी बनकर तैयार है। मसाला टोमेटो विद ब्रेड, साउल टी और फ्रूट्स को हम ब्रेकफास्ट में सर्व करेंगे। मिड मॉर्निंग में हम सर्व करेंगे स्ट्रॉबेरी शेक और उसे बनाने के लिए 1 बोल स्ट्रॉबेरी को हम ग्राइंड कर लेंगे। हमारा स्ट्रॉबेरी शेक बनकर तैयार है। चलिए अब डे 41 की लंच की रेसिपी की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। लंच की पहली रेसिपी है दाल फ्राई। इसके लिए 1 बोल सोख चना दाल और मूंग दाल को 1.5 गिलास पानी के साथ एक कुकर में डाल लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 3 सीटी आने तक पका लेंगे। अब हमारी दाल बॉईल हो गई है। अब एक पैन में 1/2 टीस्पून जीरा लेंगे और इसे भून लेंगे। फिर इसमें 5 लहसुन की कलियां ऐड करेंगे और इसे भी भून लेंगे। अब इसमें 1 कप प्याज और 2 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसे भी मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें 1 कप टमाटर ऐड करेंगे और इसे भी मिश्रण में अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। फिर मिश्रण को अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढककर 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें हम बॉइल्ड दाल ऐड करेंगे और इसे भी मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आखिरी में हम इसमें धनिया पत्ते ऐड करेंगे और इसे भी मिश्रण में मिला लेंगे। हमारी दाल फ्राई बनकर तैयार है। लंच की दूसरी रेसिपी है पनीर करी। इसे बनाने के लिए 250 ग्राम पनीर, 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और 1 कप स्किम्ड मिल्क को ग्राइंड कर लेंगे। फिर एक पैन में 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब मिश्रण में पनीर पेस्ट को ऐड करेंगे और इसे मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे और इसे मिश्रण में मिला लेंगे। अब इसमें 250 ग्राम पनीर और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिश्रण को हम 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। हमारी पनीर करी रेडी है। लंच की तीसरी रेसिपी है चटनी। इसे बनाने के लिए 1 कढ़ाई में 1/2 टीस्पून सरसों दाना लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें 1/2 कप प्याज और 2 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और प्याज को ब्राउन होने तक भून लेंगे। फिर इसमें 1 बोल टमाटर ऐड करेंगे और इसे मिश्रण में अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। फिर मिश्रण को 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। हमारी चटनी बनकर तैयार है। लंच की रेसिपी को हम पापड़, रोटी, चावल और सैलेड के साथ एंजॉय करेंगे। चलिए डे 41 की मिड इवनिंग की रेसिपी बनाते हैं, उससे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मिड इवनिंग में हम कॉफी बनाएंगे। इसके लिए थोड़े से पानी में 1/2 टीस्पून
कॉफी पाउडर के साथ स्वाद अनुसार चीनी मिलाएंगे और इसे मिक्स करके एक इसका पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट में हम एक गिलास गरम दूध मिला देंगे। हमारी गरम गरम कॉफी बनकर तैयार है। कॉफी और बिस्किट को हम मिड इवनिंग में सर्व करेंगे। चलिए अब डिनर की रेसिपी बनाते हैं। उससे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। डिनर की पहली रेसिपी है मसाला चिला। इसे बनाने के लिए हम एक बोल सोख चना दाल, दो हरी मिर्च और थोड़े से धनिया पत्ते के साथ ग्राइंड करेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक और हाफ टी स्पून जीरा ऐड करेंगे और इसे भी मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा चिला पेस्ट रेडी हो गया है। अब इसे तवे पर रखकर दोनों ओर से अच्छे से सेक लेंगे। हमारा मसाला चिला बनकर तैयार है। चलिए अब सूप बनाते हैं। इसके लिए एक गहरे पैन में एक या दो ग्लास पानी लेंगे और एक बोल कॉर्नफ्लावर की थिन पेस्ट ऐड करेंगे और मिश्रण को अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक और हाफ कप गाजर और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। अब मिश्रण को 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। हमारा सूप बनकर तैयार है। सूप और मसाला चिले को हम डिनर में सर्व करेंगे। दोस्तों, डे 41 की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और डे 42 की रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए साउल जीरो ऑयल कुकिंग में बने रहें।